भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने गोला मंडी से मोहम्मदी मंडी तक ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए 15 सूत्रीय मांग पत्र उपजिलाधिकारी डॉक्टर अवनीश कुमार को सौंपा गया और समस्याओं को हल कराने की मांग भी की गई। साथ ही स्पष्ट किया गया कि मांगें पूरी नहीं की गई तो रैली को आंदोलन का रूप देकर प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान गोला मंडी में एकत्रित हुए। यहां से ट्रैक्टरों पर सवार होकर मोहम्मदी तहसील मंडी की तरफ रवाना हुए। ट्रैक्टर रैली गोला मंडी से शुरू होकर ममरी, हैदराबाद, रेहरिया, लखवा, गुरुद्वारा पहुंची। गौतमी मोड़ होती हुई बरवड़ चौराहा होते हुए मोहम्मदी मंडी तक पहुंची। यहां किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी थी। कोतवाली प्रभारी चंद्रशेखर सहित कई थानों का फोर्स भी तैनात किया गया। यहां किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। किसान नेता ने कहा कि सरकार से लेकर सरकारी विभाग किसानों का शोषण करते आ रहे हैं। ऊर्जा निगम, चकबंदी विभाग, तहसील आदि जगहों पर किसानों की समस्या हल नहीं हो रही है। किसानों को छोटी से छोटी समस्याओं के लिए धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ता है। किसानों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो इस रैली को आंदोलन का रूप देकर सड़कों पर उतर जाएंगे। मौके पर पहुंची उपजिलाधिकारी डॉक्टर अवनीश कुमार को किसानों ने राष्ट्रपति के नाम 15 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। इस पर उन्होंने समस्याओं को हल कराने का आश्वासन भी दिया है। इस मौके पर किसान नेताओं सहित काफी संख्या में किसान भी मौजूद रहे।